किसी को पता नहीं कि मेरा गुड्डू कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है। और ट्रेन में, प्लेन में, वो उसका गाल नोच रहा है, वो उसका टॉपर खींच रहा है, वो उसकी पैंट खींच रहा उतार करके। आप खुश हैं कि मेरी गुड़िया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जामिया मिल्लिया में पढ़ रही है। महोदय जी, खबरगिरी कीजिए अपने बच्चियों की और अपने बच्चों की, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें उस वक्त होश आए जब तक तुम्हारे पास कुछ बचाने के लिए ना बचे। ये दौर आ चुका है, कयामत की निशानियां एक के बाद एक जाहिर हो रही हैं। इसलिए साथियों, कुछ सोचो, कुछ गौर करो, कम से कम अपने बच्चों को तो आप बचा सकते हैं। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, कलम दीजिए। अपने बच्चों को कलम दीजिए, कलम। कलम की मार ऐसी होती है, नस्लें याद रखती नस्लें। इसलिए बच्चों को मोबाइल मत थमाइए, कलम दीजिए बच्चों के हाथ में। साउथ इंडिया में जाके देखें कलम की ताकत कैसी है, तालीम का महत्व क्या है, क्वालिफिकेशन की अहमियत क्या है। साउथ में जाके मुसलमान सबसे ज्यादा जाहिल है। 2% मुसलमानों की आबादी में क्वालिफिकेशन पाया जाता है। 2% हम मस्जिद के नमाजी भी हैं, 2% हमारी क्वालिफिकेशन भी है, इसीलिए 2% हमें परसेंट हमारी गवर्नमेंट की नौकरी में नुमाइंदगी भी है। मतलब ये जैसे तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा। हमने पढ़ना छोड़ दिया, कभी हम पढ़ते थे। आज के 500 साल पहले पूरी दुनिया का इंसान जंगल में कुत्ते बिल्ली मारता फिरता था। इल्म अगर कहीं था तो वो सिर्फ मुसलमानों के पास था, क्वालिफिकेशन सिर्फ मुसलमानों के पास थी। और जब तक मुसलमानों के पास तालीम थी, मुसलमानों ने दुनिया के 3 बर्र आजम पर बैत वक्त हुकूमत की है। हुकूमत करना है, पढ़िए, तालीम का कोई विकल्प नहीं है। तालीम पैसे से खरीदी नहीं जाती है, वरना हर जाहिल अल्लामा बन जाता है। हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में अरबपति आदमी है, भंगार है, चिंदी की दुकान है, बड़े बड़े गोदाम के मालिक हैं, मगर जब सिग्नेचर करने की बारी आती है तो जैसे टिटहरी की टांग नहीं होती ऐसे करता है। तालीम ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता फरमाता। जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त न कर सका, वो बोझ मुस्लिम कौम के इन 7 बच्चों ने अपने सीने पे बर्दाश्त किया। कुरान के 30 पारे इन उलमा और हुफ्फाज की मेहनत को आप सराहना दीजिए कि इन्होंने इनके दिलों पे कुरान के 30 पारों की तहरीर लिखी है। जानती है कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तालिबान ने उलूम नबविया के पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इनका मकाम समझा? आपका फरमाते हैं, खैरुकुम मन ताअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। ओ कॉन्वेंट की लाइन में लगने वालों, जैसे आज तुम कॉन्वेंट स्कूल की लाइन में लग के डोनेशन दे करके, जी हुजूरी करके अपने गुड्डू मियां का एडमिशन करवाते हो ना, ऐसे कभी यूरोप का अंग्रेज करतबा के मदरसे में लाइन में खड़ा रह करके मदरसे में एडमिशन कराने के लिए आता था। और जब उसका मदरसे में एडमिशन होता था ना, तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी, हमारे बच्चे का एडमिशन मदरसे में हो। और फिर जब वो पढ़ के जाता था तो और खुशियां मनाई जाती थी। दुनिया ने हमें, दुनिया को हमने चलने का शऊर दिया है, दुनिया को हमने जमीन के पैमाइश का मैप दिया है, नापने का इल्म दिया है। दुनिया को हम मुसलमानों ने जमीन के अंदर पाए जाने वाले खजानों का पता बताया है। दुनिया के सबसे बड़े बड़े और सबसे पहले साइंटिस्ट मुसलमान थे। आज हमारी कौम का
स्कूल का स्टूडेंट कॉलेज पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बड़ा ताज्जुब मिलता। आइंस्टाइन कितना काबिल आदमी था, गैलीलियो कितना माइंडेड आदमी था। महोदय जी अपनी तारीफ पढ़िए, ये गैलीलियो और आइंस्टाइन मुस्लिम साइंसदानों के दहलीज पे बैठ के कशकोले गदाई लेके भीख मांग करके साइंटिस्ट बने। पढ़िए अल-बैरूनी को, पढ़िए इब्ने सेना को, पढ़िए ख्वारज़मी को, सैकड़ों वो साइंसदान मुस्लिम हैं जिन्होंने दुनिया को जीने का शऊर दिया, जिनकी किताबें आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, मुस्लिम साइंसदानों की किताबें लिखी हुई। हम घसियारे बन गए, गवैये बन गए और उछलने कूदने वाले बने, वबा वबा करके अपनी जिंदगी जमाने वाले बन गए तो दुनिया ने हमें पैर की जूती बना दिया। ये हालात हमारे, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, आप खुद हैं। उलमा बेचारे बड़ी मेहनत से छोटे छोटे मदरसे चला रहे हैं, छोटे छोटे मदरसे बड़ी जाम परेशानी से, और यहां भी कोई चंदा उंदा लेने आ जाए ना तो ऐसे लगता कि मौत आ गई सेठ साहब को, मौत आ गई। अभी जो नाच नाच के पैसे लुटा रहे थे ना, इनसे अगर दे दे किसी मदरसा जाम में तो सोफा को चंदा दे दीजिए ना, तो ऐसे मुंडी लड़का के होंठ लटका के बैठे मर्द मर्द सूरदार जैसे देखते ही नहीं, ऐसे करता। अगर दिमाग शरीफ की बत्ती जल रही है आपकी और कुछ होश है आपको, तो आइंदा जलसे करने का शऊर सीखिए, जलसा होता कैसे। और जलसे 12 बजे से 1 बजे तक फुल स्टॉप कर दिए जाएं, ताकि आदमी तकरीर सुन भी ले, जाके सो भी ले, फजर की नमाज भी पढ़ ले, और धंधा बिजनेस और नौकरी पे जाए तो ऊंघता ना रहे वहां पे। वो इस तरह मैनेज कीजिए जलसों, वरना होता ये है यार रात में जलसे में ना गए होते तो नींद नहीं आती, काम कम करता, जमाई ज्यादा लेता, कभी बैठ जाएगा सुस्त होकर। और जलसों में ऐसे खुतबा का सिलेक्शन कीजिए जो मिनी खतीब हो, मिनी खतीब से मुराद मुदर्रिस भी हो और खतीब भी हो, जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे मुखातब हो, तजर्बात की रोशनी में आपसे मुखातब हो, आपकी इस्लाह का कुछ मैसेज और पैगाम देके जाए, ऐसे खतीबों का सिलेक्शन कीजिए इस्लाह पे गुफ्तगू करने वाले, वरना इस्लाम से खारिज करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। दाखिला रजिस्टर किसी के पास नहीं, सिर्फ खारजा रजिस्टर। तुम इस्लाम से खारिज, तुम मसलक से खारिज, तुम मसलक हाल हजरत के दुश्मन। ये रजिस्टर हमारे पास बहुत वाफर मिकदार है। कुरान पढ़िए, कुरान कुरान ही आपकी तरक्कियात का जीना है, कुरान ही आपको बुलंदियों पे लेके जाएगा। वो कौमें जो अपने मुस्तकबिल की नस्लों को महफूज रखना चाहती हैं, वो उन पर ध्यान देते ध्यान देते। किसी भी नेता का बच्चा कोई झंडा लेकर के आपको कहीं नहीं दिखेगा कि जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई बर्तानिया पढ़ रहा है, कोई जर्मनी पढ़ रहा है, कोई कनाडा पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, और आम पब्लिक को झंडा दे दिया है, सब मरो करो हराम करो मरो करो। हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान मंदिर मस्जिद मुसलमान हिंदू इसी में लगे रहो तुम लोग। हमारे बच्चे तो पढ़ी रहे लंदन में, बाप मिनिस्टर था, दादा मिनिस्टर था, पोता भी मिनिस्टर की तैयारी में, और तुम घसियारे, तुम्हारा बाप घसियारा, तुम्हारा दादा घसियारा। ये हालात हमारे, अगर नहीं पढ़ोगे दुनिया ऐसे ही आपका इस्तेहसाल करेगी। बरकाती सादात मारारा के सादात, उनका ये फरमान है, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ाओ। लोगों पेट पे पत्थर बांध लेना मगर बच्चों को इल्म से महरूम मत रखना।
दीन का भी इल्म होना चाहिए, दुनिया का भी इल्म होना चाहिए, बच्चों के भी मदरसे होने चाहिए, बच्चियों के मदरसे होने चाहिए। माशाल्लाह एक जामिया उम्मे हबीबा लेबनान भी देखा मैंने, इधर लगा हुआ शायद इसी इलाके में कहीं है। ये जरूरत क्यों पेश आई है? कुछ कॉलेज और स्कूल में जहां आप समझते हैं कि हमारी गुड़िया हमारी मुन्नी पढ़ने गई है, डॉक्टर इंजीनियर बनने गई है, समझ रहे हैं, वो भाग भाग करके कहीं और जाती हैं और 6 महीने बाद उनकी डेड बॉडी चार चार टुकड़ों में कहीं नदी में, कहीं नाले में, कहीं झाड़ी में, कहीं कुएं में, कहीं खड्डे में और कहीं घर के अंदर कुआं खोद के दफन करने के बाद उनकी लाशें मिलती हैं। ये जरूरत इसलिए पेश आई है कि बच्चियों का भी इदारा हो जहां पे हमारी बच्चियां कनीजाने फातिमा बने, उन्हें एहसास हो कि हम मुस्लिम कौम की एक गैरतमंद बेटी हैं। मदरसे इसलिए जरूरी है ताकि कोई बच्चा मुसलमानों का सलमान रुश्दी न बनने पाए, अब्दुल करीम छागला न बनने पाए, अब्दुल हमीद दलवाई न बनने पाए, तारिक फता जैसा कुत्ता न बनने पाए। और बच्चियों के इदारे इसलिए जरूरी है ताकि कोई मुस्लिम बच्ची तस्लीमा नसरीन जैसी आवारा न बन पाए। तवज्जो दीजिए अपने घरों पर, पर्दे का माहौल बर्पा कीजिए। चाचा वाला, मसी वाला, मामू वाला, इस्लाम में इन सब से पर्दा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस्लाम में इस पे चौकड़ी लगाई गई। इस जंगली कानून को इस्लाम में कोई जगह नहीं, ना कोई गर्लफ्रेंड होता है ना कोई बॉयफ्रेंड होता है। हम भी रोज चलते हैं ना, रोज कभी ट्रेन में कभी प्लेन में देखते हैं। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे भ्रमण पे निकलते हैं, भ्रमण पे कोई कुल्लू मनाली जा रहा होता है, कोई कश्मीर जा रहा होता है, 50 आदमी बच्चों का टोला है, कोई आबू रोड घूमने जा रहा है, तो एक एक बोगी में भरे रहते हैं बेटे, छोटी छोटी पैंटे हैं, छोटी छोटी बुशर्ट है दोनों के। जानते क्या देखते हैं? किसी को पता नहीं कि मेरा गुड्डू कहाँ है, मेरी गुड़िया कहाँ है। और ट्रेन में प्लेन में वो उसका गाल नोच रहा है, वो उसका टॉपर खींच रहा है, वो उसकी पैंट खींच रहा उतार करके। आप खुश हैं कि मेरी गुड़िया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जामिया मिल्लिया में पढ़ रही है। महोदय जी खबरगिरी कीजिए अपने बच्चियों की और अपने बच्चों की, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें उस वक्त होश आए जब तक तुम्हारे पास कुछ बचाने के लिए ना बचे। इस्लाम के करीब आई, इस्लाम के दामन में पनाह लीजिए, दीन पढ़िए, मदरसों को फरोग दीजिए, बाइज्जत जिंदगी गुजारिए। आज के तकरीबन 8 साल पहले दिल्ली की जामिया मिल्लिया, जेएनयू और कई यूनिवर्सिटीज के बच्चे और बच्चियां धरने पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक का परमिशन दिया जाए। समलैंगिक का मतलब होता है लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। क्या कहेंगे कौम के उन बेगैरत जजों को, दिल्ली की उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि हिंदुस्तान में समलैंगिक की परमिशन दी जाती है, लड़का लड़के से शादी कर ले और लड़की लड़की से शादी कर ले। कहां बैठे हैं ये कोर्ट में बैठे हुए जज जिनको इस बात की गरिमा का एहसास नहीं है, उन्होंने क्या घास छीला था पंडित करके? शादी का मकसद क्या है, रीजन क्या है? चाहे वो हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, शादी का एक ही रीजन है, बच्चे पैदा हो, नस्लें फरोग पाए, हमारी नस्ल की अफजाइश हो, ये मकसद शादी का है। लड़का लड़की से शादी, लड़के से शादी करेगा और लड़की लड़की से शादी करेगी तो कौन सी नस्ल मारे वजह बन जाएगी? मैं पागलों की बात नहीं करता हूं, घसियारों की बात नहीं करता हूं, हाई कोर्ट में बैठ करके फैसला देने वाले गधे जजों की बात करता हूं। जजों की
जिन्होंने फैसले सुनाए चार साल पहले लॉकडाउन से पहले, तो सिर्फ स्कूल में डाल करके अपने बच्चों को मुतमईन ना हो जाएं, उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखा कीजिए, उनके मोबाइल की स्क्रीन चेक किया कीजिए, उनकी चैटिंग का जायजा लिया कीजिए, अचानक स्कूल पहुंच जाया कीजिए, स्कूल की कैंटीन में जाया कीजिए, हैं, ताकि पता चले रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रहे हैं आपकी औलादें। यही होता है, पहले आइसक्रीम खिलाई जाती है, फिर गोलगप्पे खिलाए जाते हैं, और फिर बिरयानी खिलाई जाती है होटलों पर जाके, और फिर उसके बाद मोहब्बत की पेंगे बढ़ाई जाती है। लगे बुरा तो लगता रहे यार, अगले साल मुझे नहीं आना है आपके, मुझे इस बात का कोई शौक नहीं चल रहा था, मैं फिर आऊंगा आपके तकलीफ करने, लेकिन आया हूं तो जो मेरी जिम्मेदारी है बता के जाऊंगा मैं आपके।